नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। फल त्याग मुक्तिदायी है। जब आसक्तियां हैं, वासनाएं हैं, तब तक कर्म फल भोग शेष है। जब आसक्तियां छूट जाएंगी, भोगों से विरक्ति हो जाएंगी, वैराग्य हो जाएगा, तब संसार में बार बार आने से मुक्ति मिल जाएगी। दुनिया में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक अंतर्मुखी, दूसरे बहिर्मुखी, जो अन्य लोगों की चर्चा करते हैं। अंतर्मुखी चरित्र पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहिर्मुखी पद को ज़्यादा महत्व देते हैं। अंतर्मुखी दूसरों की इज्जत करते हैं और अपने अंदर से शक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु बहिर्मुखी दूसरों की परवाह नहीं करते और बाहरी स्रोतों से शक्ति प्राप्त करते हैं। इसमें एक भौतिकवादी है और दूसरा आध्यात्मवादी। एक अपनी नई दुनिया खोज रहा है, तब दूसरा अपने में अपने को खोज रहा है। भौतिकवाद अधिक से अधिक भोग का नाम है, अध्यात्मवाद भोगों से मुक्ति का नाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुझे सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। जब तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।